सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को और इस बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, क्विंसेशनल वुडस्टॉक टूरिस्ट बस के रूप में रंगीन वॉक्सवैगन का विचार हमारी सामूहिक कल्पना का हिस्सा हो सकता है, लेकिन दशकों पहले भारत का क्लासिक वैन का अपना देसी संस्करण था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं भारत की क्लासिक वैन यानी बजाज टेम्पो मेटाडोर के सफ़र पर और जानते हैं इसके शानदार इतिहास को। बजाज टेम्पो मेटाडोर को 1960 के दशक में लॉन्च किया गया था और उसने एक विश्वसनीय वाहन के रूप में दिल जीता था। मेटाडोर का प्रयोग एक पारिवारिक वैन, मालवाहक, एम्बुलेंस, पुलिस वाहन और एक स्कूल बस के रूप में किया जाता था। शब्द टेम्पो आज तुरंत एक धूलभरी वैन या मालवाहक की छवि को प्रदर्शित करता है, लेकिन यह वास्तव में एक ट्रेडमार्क शब्द था जो जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी विडाल और सोहन वर्के को संदर्भित करता था। मेटाडोर और हैंसेट जैसे क्लासिक्स के उत्पादन के प्रसिद्ध टेम्पो ने भारतीय कंपनी बजाज के साथ मिलकर 60 के दशक में बजाज टेम्पो मेटाडोर को मार्केट में लॉन्च किया। भारत में बनी मेटाडोर अपनी मजबूती और पावर के चलते भारतीय सेना में शामिल हो गई। कंपनी ने मेटाडोर की ताकत को देखते हुए इसे विस्तारित रूप देने का प्लान बनाया। उसी क्रम में साल 1964 में बजाज टेम्पो वाइकिंग और 1969 में बजाज टेम्पो मेटाडोर को भारत में लॉन्च किया। हल्के डीजल से चलने वाली मेटाडोर काफ़ी किफ़ायती वाहन के रूप में प्रसिद्ध हुई। मेटाडोर आम रास्तों के साथ साथ गांव की टूटी फूटी सड़कों पर भी चलने में सक्षम थी। लंबे सफ़र के लिए मेटाडोर का इंजन एक बेहद शानदार माइलेज देता था। 70 से 80 के दशक में मेटाडोर बहुत लोकप्रिय वाहनों की लिस्ट में शामिल हो गई थी, लेकिन लोकप्रिय वाहनों को अंततः उत्पादन से बाहर कर दिया गया था। मेटाडोर की प्रसिद्धि का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि मेटाडोर का प्रयोग कई बॉलीवुड फिल्मों में भी किया गया था। साल 1996 में कंपनी ने इसमें कुछ आधारभूत बदलाव जैसे एयर कंडीशनर, म्यूजिक सिस्टम आदि भी जोड़े, लेकिन ईंधन उत्सर्जन की खामियों के कारण साल 2003 में इसके उत्पादन को बंद कर दिया गया। लगभग 50 साल के अपने शानदार सफ़र के बाद भी आज यह मेटाडोर वैन बहुत से लोगों के पास मौजूद है। लोग आज भी किसी लंबे सफ़र के लिए अपनी इसी वैन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मेटाडोर टेम्पो इतना प्रसिद्ध हुआ था कि भारत के कई राज्यों में इस वाहन पर गीत भी बन गए थे। मेटाडोर लोगों के सफ़र में उनका मजबूत साथी बना और लोगों ने भी आनंद के साथ इसकी सवारी की। तो दोस्तों, यह था बजाज टेम्पो मेटाडोर का शानदार इतिहास। दोस्तों, अगर आपने भी मेटाडोर में सवारी का आनंद लिया है या इसे देखा है तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।